क्वेश्चन 6, शो दैट इंटेग्रल -1 to 1 x की पावर n Pn(x) dx is equal to 0 if m less than n. By using Rodrich's formula we have Pn(x) is equal to 1/2 की पावर n, n फैक्टोरियल d की पावर n, dx की पावर n, x के -1 की होल पावर n. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो. नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो -1 की पावर n, यहाँ पे क्या बन गया 1 - x² की होल पावर n मल्टीप्लाई बाय x की पावर m. इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 to 1 वी गेट इंटेग्रल -1 to 1 x की पावर m Pn(x) इज इक्वल टू -1 की पावर n, 2 की पावर n, n फैक्टोरियल -1 to 1 x की पावर m, d की पावर m, dx की पावर n, 1 - x² की होल पावर n dx. ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के साथ एक डेरिवेटिव कैंसिल, तो क्या बन गया d की पावर n - 1 dx की पावर n - 1 इंटेग्रल -1 to 1 माइनस ये टर्म एज इट इज. इसका डेरिवेटिव किया तो क्या बन गया m x की पावर m - 1 और ये टर्म एज इट इज. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 1 पुट किया x की जगह और -1 पुट किया तो 1 - 1 इज 0 माइनस -1 पुट किया तो x की पावर 2 है हमारी, -1² इज 1, 1 - 1 इज 0 तो -0 बन गया. तो ये टर्म हमारी फिनिश और यहाँ पे क्या बन गया -1 की पावर n -1 m/2 n, n फैक्टोरियल ये टर्म एज इट इज. नाउ प्रोसीडिंग अबव प्रोसेस वी गेट -1 की पावर n -1 की पावर m, m फैक्टोरियल 2 की पावर n, n फैक्टोरियल इंटेग्रल -1 to 1 d की पावर n - 1 n - m dx की पावर n - m, 1 - x² की होल पावर n और यहाँ पे क्या बन जाएगा x की पावर m - 1, m इज x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1 तो ये वैल्यू हमारी 1 बन गई फॉर m लेस देन n. बस हमने 1 को रिप्लेस कर दिया m के साथ तो क्या बन गया n - m, 1 - x² की होल पावर n, n - m इज 0, x की पावर 0 इज 1. यहाँ पे क्या बन गया -1 की पावर m, m फैक्टोरियल. नाउ बाय यूजिंग लिबनिट्स रूल तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 फॉर m लेस देन n ऑन यूजिंग लिबनिट्स रूल, हैंस प्रूव्ड. आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.